बायोटेक क्लस्टर फरीदाबाद में आगामी 17 जनवरी से 20 जनवरी तक इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन है, जिसकी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। यहां फेस्टिवल को लेकर ब्रोशर लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा प्रदेश के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंचे। साइंस फेस्टिवल में देश भर से करीब 10,000 साइंटिस्ट और बायोटेक क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थी और साइंस के क्षेत्र में काम कर रही कई कंपनियां भी भाग लेंगी। मैं बधाई दूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि हरियाणा को चुना है 17 से 20 तक जो फेस्टिवल होगा, यहाँ जमावड़ा होगा साइंटिस्ट और देश और विदेश के जो साइंटिस्ट आएंगे, और इससे आने वाले समय के लिए फरीदाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। और औद्योगिक क्षेत्र में फरीदाबाद पहले भी एशिया के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाता था, और सुई से लेकर चंद्रयान सूर्यान तक की आज भी छोटे छोटे यंत्र आज फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं, और इससे बच्चों को लाभ मिलेगा। जो बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बच्चों को लाभ मिलेगा, औद्योगिक क्षेत्र को लाभ मिलेगा, और यहाँ के लोगों को जानकारी होगी तरह तरह की औद्योगिक क्षेत्र की जानकारी, और पूरे देश का होने जा वाला है, और विदेश से भी बाहर से भी जो जानकारी मिली 20 देशों के डेलीगेट आने वाले हैं। इससे आने वाले समय जो साइंस का जो प्रधानमंत्री जी जो ला रहा है उसको बल मिलेगा, उसको आधार मिलेगा, और बच्चों को प्रधानमंत्री की जो आने वाली जो नीति है उसका भी पूरे देश के नौजवान साथियों को लाभ मिलेगा। वही मूलचंद शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद के लिए ये सौभाग्य की बात है, हरियाणा सरकार साइंटिस्ट के इस महाकुंभ में भारत सरकार का पूरा सहयोग करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। वही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश भर में दिवाली मनाई जाएगी। तो ये भगवान राम से सब देवता द्वापर देवता से जुड़ा हुआ, और आने वाले साइंस बच्चे में जो काम करेंगे अपने ऋषि मुनि के नामों के संस्कार को आगे बढ़ा देता ठीक नहीं कराएंगे। राम मंदिर का हमने सारे जो भी अपने फरीदाबाद में अपने औद्योगिक क्षेत्र सब में सामाजिक दर्शन और लोगों के दीपक का कार्यक्रम है, दीप जलाएंगे, और लोगों ने कहा कि दिवाली 22 तारीख को दिवाली के रूप में पूरे हरियाणा को हम मनाने वाले हैं, और देश बनने जाना है। फरीदाबाद तो ऋषि पारसर की भूमि, ऋषि पारसर की फरीदाबाद की भूमि, और इस नगरी में तो ईमान के चलिए दिवाली बड़ी धूमधाम को 22 को मनाएंगे कि भगवान राम के आज अयोध्या में और हर घर में मंदिर दीप जलाने सब होता। आपको बता दें कि 17 जनवरी से इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन है, जिसमें देश भर के करीब 10,000 साइंटिस्ट पहुंचेंगे। ये हरियाणा के लिए गौरव का पल होने वाला है। फरीदाबाद से सूर्य समाचार के लिए दीपक गौतम की रिपोर्ट।